उत्तर भारत के तमाम राज्यों समेत दिल्ली एनसीआर में बारिश का ताजा दौर बीते दिनों से देखने को मिल रहा है, जो न सिर्फ लोगों की चिंताओं को बढ़ा रहा है बल्कि उनके मनों में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि शुक्रवार को मार्च का अंतिम दिन जरूर रहा, लेकिन मार्च में बदलते रंग और मिजाज का सफर भुला पाना मुश्किल है। ऐसे में क्या अप्रैल का महीना लोगों को राहत बख्शेगा या लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इसी पर मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 मार्च की शाम बारिश का अनुमान है। वहीं अगली सुबह यानी 1 अप्रैल को सुबह के वक्त हल्की बूंदाबांदी के साथ क्लाउडी रहने की संभावना है। एक दो जगह पर हिल स्टॉर्म एक्टिविटी भी हुई और लाइटनिंग भी हुई हमारे पास। और जहाँ तक हम आज की बात करते हैं तो आज भी हमारे पास शाम रात में थोड़ी सी बारिश और हल्की बारिश रहने की संभावना है और एक दो जगह स्थान पर थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग भी हो सकती है। और जहाँ तक देखेंगे कि WD हमारे पास कल सवेरे से थोड़ा मूव करना आगे शुरू कर देगा तो इसका प्रभाव दिल्ली NCR से कम हो जाएगा और मॉर्निंग आवर्स में हल्की फुल्की क्लाउडीनेस और या एक दो जगह ड्रिजल हो सकता है, वो भी मॉर्निंग आवर्स में। और दिन के टाइम में हमारे पास साफ रहेगा। तो 1 और 2 तारीख को हमारे पास आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। 3 तारीख को फिर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका प्रभाव दिल्ली NCR में 3 तारीख को पड़ेगा, तो उस समय हल्की फुल्की एक दो जगह पर रेन हो सकती है और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकती है। उन्होंने आगे बताया कि मौसम में कल दोपहर के वक्त राहत देखने को मिलेगी जिसका असर 2 तारीख तक रहेगा। हालांकि 3 अप्रैल से बारिश का प्रभाव दिल्ली NCR समेत पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जिसका कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मूव करना है, जिससे मुख्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान है जहां छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना है। इसका प्रभाव लास्ट 2 दिन से पड़ रहा है। तो जम्मू कश्मीर, HP, उत्तराखंड में आप देखेंगे 29 तारीख को प्रभाव पड़ा था और उसके बाद पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR, नॉर्थ राजस्थान में ये 30 तारीख में ज़्यादा प्रभाव रहा था। आज 31 तारीख को यही पूरा रीजन हमारे पास पहाड़ी राज्य और जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग और कुछ जगहों पर हिल स्टॉर्म भी होगी और तेज़ हवाएं चलने की भी संभावना है मैदानी इलाकों में। कल के बाद इसका प्रभाव सिर्फ मैदानी इलाकों में खत्म हो जाएगा, सिर्फ पहाड़ी राज्यों में रह जाएगा। उसके बाद जो अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 2 की रात में आने वाला है उसका प्रभाव पहले 2 तारीख की रात में पहाड़ी राज्यों में पड़ेगा, फिर 3 तारीख में मैदानी राज्यों में जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR पे पड़ेगा। और वहीं तेजी से बदलते मौसम की जानकारी देते हुए वैज्ञानिक ने कहा कि मार्च, अप्रैल और जून प्री मानसून सीजन होते हैं जिसमें थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, स्टॉर्म रेनफॉल, लाइटिंग और ठंडी हवाओं का असर देखने को मिलता है, जो अधिकतर 1 मार्च से लेकर 31 मई तक और कई बार मौसम की ये एक्टिविटी दिल्ली NCR में 15 जून तक भी रह जाती है। इसीलिए इन 3 महीनों में अक्सर मौसम में बदलाव दर्ज होता है। बहरहाल मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक मौसम में राहत और 3 अप्रैल से बारिश का अनुमान जताया है। टोटल न्यूज के लिए रिया राय की रिपोर्ट।